नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। बिहार के सिवान के डिस्को और डिस्को के दौरान अवैध हथियार से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। सिवान के ऑर्केस्ट्रा के दौरान अवैध हथियार चलाना युवाओं का शौक बन गया है। वायरल वीडियो सिवान के दरंदा थाना क्षेत्र के रुमदीपुर के रौनी का बताया जा रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स ने बार गर्ल्स के सामने आकर अवैध हथियार से फायरिंग की, वह गांव का रहने वाला 22 साल का जेपी ठाकुर है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर दो महिला डांसर का एक अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस कर रही हैं। आगे की सीटों पर बैठे लोग ऑडियंस से ऑर्केस्ट्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी दौरान एक युवक भीड़ से निकलकर मंच के ठीक सामने पहुंच जाता है और देसी पिस्तौल निकालकर हवा में फायरिंग शुरू कर देता है। बताया जाता है कि भीड़ में से किसी ने हवा फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। वायरल वीडियो में करीब एक हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। यह वीडियो बुधवार से वायरल होना शुरू हो गया है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस हरकत में आ गई है। दौरंदा थाना क्षेत्र के रुमदीपुर में रैनी गांव के जुलूस के दौरान रंगारंग ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था। वहां तमाशाबीनों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान युवक ने अपने अवैध हथियार से हवा में फायरिंग कर दी। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के अवैध रूप से फायरिंग करने के मामले में दौरंदा थाने के SHO प्रवीण कुमार प्रभाकर ने कहा कि उन्हें भी वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी।